जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार पढ़ने से ही सफलता हासिल हो सकती है, अतः ये एक दोहा भी है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर आत जात से फिर सील पर परत निशान। तो बार बार रिविजन करते रहें और बार बार पढ़ते रहें। पढ़ने से ही क्या है कि कार्य की प्रगति आगे बढ़ती है और सफलता की ओर अपन अग्रसर होते हैं। तो इसी कड़ी में अपन बात कर रहे थे कि चंबल नदी और चंबल की और उसकी सहायक नदियाँ। चंबल नदी का जो अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत चंबल और उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती है, और उसमें बनास नदी को अपने कंप्लीट क्या है कि अध्ययन कर लिया था। चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बनास है, और बनास के बारे में अपना कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। अब कुछ और नदियाँ हैं जो क्या है कि चंबल में आकर के गिरती है, और वो चंबल के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ हैं उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। चंबल की सहायक बनास के बारे में अपन क्या है कंप्लीट अध्ययन हो चुका है। अब आगे बात करते हैं कुराल नदी। चंबल की सहायक है कुराल। कुराल नदी, ये कुराल नदी है, ये कहां से निकलती है? ये उपरमाल के पठार से निकलती है। उपरमाल चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में जो पठारी भाग उपरमाल कहलाता है, भीलवाड़ा। उपरमाल कहां से निकलती है? ये भीलवाड़ा से निकलती है, और कहां पर जाकर के गिरती है? चंबल में जाकर गिरती है। मिलती किस में है? चंबल में। और कौन से जिले में मिलती है? बूंदी जिले में। तो कुराल इसकी सहायक नदी है चंबल की, जो क्या है कि उपरमाल भीलवाड़ा से निकलती है और चंबल में जाकर के बूंदी में मिल जाती है। आगे अपन बात करते हैं उसकी, यह बामनी। बामनी, तो ये बामनी नदी है, ये कहां से निकलती है? हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है? हरिपुरा, हरिपुरा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से निकलती है, और मिलती किस में जाकर है? चंबल में। और कहां पर मिलती है? भैंसरोड़गढ़ में। भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ में, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत ही बहती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बामनी नदी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है और भैंसरोड़गढ़ में चंबल में जाकर के मिल जाती है। अब आगे एक नदी है कून या कुन, कनौर। कून या कनौर, कून या कनौर नदी है, ये कहां से निकलती है? गुना मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? गुना मध्य प्रदेश से। गुना मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के अंतर्गत 12 के अंतर्गत प्रवेश करती है। राजस्थान में 12 में प्रवेश करती है, राजस्थान में 12 में प्रवेश करती है, और 12 से फिर बहती है, ये करौली में आकर के चंबल में मिल जाती है। करौली में आकर के चंबल में मिल जाती है कून या कुनौर। इसको अपन कुनौर की, कून या कुनौर इस नदी को कहते हैं। इसके बाद में है पार्वती नदी। पार्वती, पार्वती नदी ये इसके अंतर्गत लेफ्ट साइड से मिलती है। उपरमाल से कुराल नदी है और बामनी नदी है, ये लेफ्ट साइड से मिलती है, और ये राइट साइड से मिलती है, यानी मध्य प्रदेश से जो भी नदियां निकल के आती है वो राइट साइड से इसके अंतर्गत मिलती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सेहोर से निकलती है पार्वती। कहां से निकलती है? सेहोर, सेहोर विंध्याचल से, मध्य प्रदेश से निकलती है। सेहोर विंध्याचल से मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है छबड़ा के पास। छबड़ा 12 में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये पार्वती नदी है जो सेहोर क्षेत्र से निकलती है विंध्याचल में मध्य प्रदेश, और छबड़ा 12 के अंतर्गत आके राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर ये बहती है कोटा में, 12 से कोटा, और कोटा से फिर बहती प्लस चंबल में हो जाती है सवाई माधोपुर में। चंबल में मिल जाती है सवाई माधोपुर में, ये अपने को ध्यान में रखना है।
कि पार्वती इसकी मुख्य सहायक नदियों के अंतर्गत शामिल है। सोहोर विंध्याचल से निकलती है मध्य प्रदेश से, छबड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है बारा, और कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है पार्वती की, ये महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है, और उसमें सहायक नदियों में कौन कौन सी है, लासी, बरनी, बेंथली, हंधेरी, लासी, बरनी, बेंथली, अंधेरी, ये इसकी सहायक नदियों को अपने को सिर्फ नाम याद रखना है, रेतड़ी, अहेरी, डुबराम, कूल, बिलास, रेतड़ी, अहेरी, डुबराम, कूल और बिलास, ये इसकी सहायक नदियों में शामिल हो जाएगी। लासी, बरनी, बेंथली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेड़ी, डुबराम, कूल और बिलास इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई, कुराल, बामनी, कुन्नू, कुनौर और पार्वती। पार्वती महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और इसकी जो सहायक नदी है उसके सिर्फ अपने को नाम नाम याद रखने हैं। अब इसकी है काली सिंध, काली सिंध, तो राइट साइड से काली सिंध सबसे लंबी सहायक है इसकी, तो चंबल नदी है उसकी राइट साइड से काली सिंध क्या है कि सबसे लंबी सहायक नदी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये देवास से निकलती है, देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ में बहती है, देवास मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ में बहती है, उसके बाद में ये चंबल में मिल जाती है, कहां पर, कोटा में, चंबल कोटा में ये मिल जाती है। तो देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़, चंबल, कोटा के अंतर्गत जाकर के मिल जाती है, ये इसमें ध्यान में रखना है। और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी 145 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, काली सिंध की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी शामिल होती है, आहू, परवन, अमझोर, चोली और उजाड़। आहू, परवन, अमझोर, चोली और उजाड़ नदियां इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। सहायक नदियों में आहू, परवन, अमझोर, चोली और उजाड़ नदियां इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत शामिल हो जाती है। अब अगर इसमें दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, आहू और परवन, आहू की अगर बात करें तो आहू किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है। कहां से निकलती है आहू, सुरनेर से निकलती है, सुरनेर, सुरनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, कौन सी नदी, आहू नदी। और झालावाड़ में आकर के किस में मिल जाती है, काली सिंध में, झालावाड़ में, यहां अपन ये ले सकते हैं कि किस में मिल जाती है, काली सिंध में, काली सिंध में मिल जाती है, गागरौन दुर्ग के पास, गागरौन दुर्ग के पास झालावाड़ में। तो गागरौन दुर्ग है वो आहू और मतलब काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और परवन नदी है ये भी कहां से निकलती है, ये वाली नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, परवन ये भी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़, बारा और कोटा में आकर के ये काली सिंध के अंतर्गत मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़, फिर बारा और चंबल में आकर के, कोटा में आकर के काली सिंध में मिल जाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि परवन के अंतर्गत कोटा में आकर ये परवन है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़, बारा और काली सिंध, ये जो नदी है काली सिंध में आकर मिल जाती है, कहां पर, कोटा में आकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी अगर बात करें तो परवन की, निमाज और नेवेज परवन की सहायक,
निमाज या नेवेज इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत शामिल है, और इसके अंतर्गत है धार, छप्पी और घोड़ापछाड़ नदी भी इसकी सहायक नदियों में शामिल है। धार, छप्पी और घोड़ापछाड़ ये नदियां पर्वण की सहायक नदियों में शामिल हो जाती है। अगर अपन ने बात की है काली सिंध नदी की, तो काली सिंध नदी देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ में बहती है और कोटा में आकर के चंबल में मिल जाती है। लंबाई 145 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में आहू, पर्वण, अमझोर, चोली और उजाड़ शामिल है। और इसमें आहू और पर्वण महत्वपूर्ण है। आहू नदी है वो सुरनेर मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर गागरौन के पास आकर के ये मतलब मिल जाती है काली सिंध नदी में, झालावाड़ में ही। और ये जो है मतलब पर्वण नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ में बहती है, बारा में बहती है और कोटा में आकर के काली सिंध में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में नेवाज, निमाज, धार, छापी और घोड़ापछाड़ नदी शामिल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे और बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियों में और कौन कौन सी नदियों को शामिल कर सकते हैं चंबल में। चंबल की ये सहायक नदियों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, बनास सबसे महत्वपूर्ण है ही है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसकी सहायक नदी है मेज, एक सहायक नदी है चंबल की मेज। तो ये मेज नदी कहाँ से निकलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है और यहाँ से बहती है बूंदी में और प्लस किस में हो जाती है? चंबल में। कहाँ पर हो जाती है? कोटा में। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मेज नदी कहाँ से निकलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, बूंदी में बहती है और मिल जाती है कोटा के अंदर जाकर के चंबल में मिल जाती है। सहायक इसमें है बापणी, कुराल और मांगली इसकी सहायक नदी है। सहायक बापणी, कुराल और मांगली इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत शामिल है। आगे एक नदी है आलनिया, आलनिया नदी की अगर बात करते हैं तो यह भी चंबल की सहायक नदी है और यह कहां से निकलती है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, कोटा से निकलती है और कोटा में चंबल में मिल जाती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा से निकलती है और कोटा में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। सिर्फ एक जिले में ये बहती है। एक और नदी है चाकण, जो कि बूंदी से निकलती है। चाकण बूंदी से निकलती है और चंबल में मिल जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। तो मेज, आलनिया और चाकण ये जो चंबल नदी है उसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उसको अपन ने समेट लिया है। नदियों में अपने को चार चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखनी है कि कौन सी नदी की उद्गम कहाँ से होता है, उसका संगम कहाँ से होता है, कहाँ पर जाकर वो नदी समाप्त होती है। दो तो ये महत्वपूर्ण होगी कौन सी दिशा के अंतर्गत शामिल है, और चौथा है उसकी सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदियों के सिर्फ नाम याद रखने, इन जो चार फैक्ट है इनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न आए हुए आज तक और इन्हीं के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो ये जैसे ये चाकण नदी है कहां से निकली और कहां इसका संगम हुआ, ये अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। जिले याद रहे तो ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ये रहना चाहिए भी चाकण किसकी सहायक नदी है और कहां से निकलती है और कहां जाकर के मिलती है, किस नदी में जाकर के मिलती है। उद्गम और संगम दो चीजें तो याद रखनी है महत्वपूर्ण नदियों के बारे में और सहायक नदियों के बारे में अंतर्गत अपने को ध्यान में रखना है। तो ये चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा अपने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे और बात करते हैं कि दो नदियां ऐसी है जो चंबल के अंतर्गत डायरेक्ट जाके और मिलती है। एक जो गंभीर नदी है वो सीधी की सीधी जाकर के चंबल में मिलती है और उसकी सहायक है पार्वती। ये दो नदियों के बारे में अपन और पढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि यमुना में मिलने वाली राजस्थान में मुख्य रूप से दो ही नदियां मानी जाती है। एक नदी तो चंबल हो गई और दूसरी है गंभीर। सीधी यमुना में मिलने वाली दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? गंभीर है। ये अपने को ध्यान में रखना है।
तो आगे अपन बात करते हैं गंभीर, गंभीर नदी। एक तो इसकी विशेषता यह हो जाएगी, सिद्ध यमुना में मिलने वाली यमुना में मिलने वाली दूसरी बड़ी बड़ी नदी। यमुना के बाद में दूसरी बड़ी नदी सिद्ध यमुना में मिलने वाली कौन सी है? गंभीर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर बात करें तो इसके अंतर्गत ये कहां से निकलती है और कैसे बहती है? ये नातोदी तहसील से निकलती है। कहां से निकलती है? नातोदी तहसील, करौली से। नातोदी तहसील है, करौली से निकलती है, भरतपुर में बहती है और धौलपुर में बहती है। भरतपुर की तो बिल्कुल सीमा पर से बहती है, भरतपुर और धौलपुर में बहती है। और फिर ये किस में मिल जाती है? यमुना में, मैनपुरी के पास। मैनपुरी यूपी में जाकर के ये यमुना में मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि गंभीर चंबल के बाद है दूसरी सबसे बड़ी जो है नदी, जो जाके सीधी यमुना के अंदर मिलती है। नातोदी तहसील करौली से निकलती है, भरतपुर में बहती है, धौलपुर में बहती है और मैनपुरी यूपी में जाकर के यमुना में मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक, सहायक के अंतर्गत इसमें मुख्य नदियां हो जाएगी अट्टा, माची। अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावती, भैंसावर, 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 भैंसावर और बरखेड़ा, और बरखेड़ा, और बरखेड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी पार्वती, इसी की सहायक मानी जाती है पार्वती। तो ये नदियां इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत है शामिल हो जाती है, पार्वती, अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावर और बरखेड़ा, बरखेड़ा। ये इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत है शामिल हो जाती है। और ये जो है इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, बांध, पांचना बांध, पांचना बांध गंभीर नदी के ऊपर बनाया गया है। और पांचना बांध इसको किस लिए कहते हैं कि यहां पर पांच नदियों का संगम होता है, अट्टा, भद्रावती, भैंसावर और माची, और गंभीर। इन पांच नदियों का संगम होता है और वहां पर कौन सा बांध बनाया गया है? पांचना बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? ये करौली में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? करौली में बनाया गया है। और इसी के पास में खानवा का मैदान है, खानवा। ये जो नदी है, ये जो नदी बहती है गंभीर नदी, इसके पास में खानवा का मैदान है, खानवा का मैदान। खानवा का मैदान क्यों फेमस है? कि 1527 में बाबर और सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया था, निर्णायक युद्ध, इसलिए ये खानवा का मैदान फेमस है। ये इस नदी के, गंभीरी नदी के किनारे है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब पांचना बांध की और विशेषता क्या है कि ये राजस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और पांचना बांध से क्या है कि इससे जलापूर्ति की जाती है। पांचना बांध से जलापूर्ति की जाती है अजान बांध को। अजान
अजान बांध ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्गत पड़ता है, केवलादेव भरतपुर को इससे पानी की आपूर्ति की जाती है। जब अजान बांध के अंतर्गत जल कम हो जाता है, और ये अजान बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये बाणगंगा पर बनाया गया है, बाणगंगा नदी पर भरतपुर में बनाया गया है। और जब इसके अंतर्गत जल कम हो जाता है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति करने के लिए पांचना बांध से इसको जलापूर्ति की जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत और इसकी सहायक कौन सी है, पार्वती ये सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती है, सपोटरा सपोटरा की पहाड़ियां करौली से निकलती है। कहां से निकलती है, पार्वती नदी है वो सपोटरा की पहाड़ियां करौली से निकलती है और गंभीर में मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, गंभीर में, कहां पर, धौलपुर में, धौलपुर में ये गंभीर में जाकर के मिल जाती है। इसके ऊपर पार्वती बांध बनाया गया है, पार्वती बांध बनाया गया है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, पार्वती नदी के ऊपर बनाया गया है पार्वती बांध। और इसको और क्या कहते हैं, अंगई बांध भी कहते हैं, इसको अंगई बांध भी कहते हैं। और कहां बनाया गया है, करौली में, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, पार्वती की सहायक शेरणी और मेंड की, इसकी दो सहायक नदियों के नाम अपने को ध्यान में रखना है। तो चंबल नदी है वो सबसे बड़ा अपवाहतंत्र है, गंभीर भी एक क्या है, गंभीर भी नदी जल बेसिन के अंतर्गत शामिल होता है, और पार्वती भी क्या है कि नदी जल बेसिन के अंतर्गत शामिल होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो गंभीर नदी कहां से निकलती है, सिद्ध यमुना में मिलने वाली दूसरी बड़ी नदी है, नतोदी तहसील करौली से निकलती है, भरतपुर धौलपुर और मैनपुरी के पास जाकर के यमुना में मिल जाती है। सहायक नदी इसके अंतर्गत पार्वती, अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावर और बरखेड़ा इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत शामिल है। और गंभीर नदी पर पांचना बांध बनाया गया है, कहाँ पर, करौली में। और पांच नदियां हैं अट्टा, भद्रावती, भैंसावर, माची और गंभीर नदियों के ऊपर ये बनाया गया है। और गंभीर नदी के किनारे है वो खानवा का मैदान है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ पांचना बांध सबसे बड़ा है, और पांचना बांध से जल की आपूर्ति कहां पर की जाती है, अजान बांध को, केवलादेव भरतपुर में अजान बांध को की जाती है। और पार्वती किसकी सहायक नदी है, गंभीर की सहायक नदी है, सपोटरा के पहाड़ियों से करौली से निकलती है और गंभीर में जाकर मिल जाती है धौलपुर में। और इसके ऊपर पार्वती बांध बनाया गया जिसको अंगाई बांध भी कहते हैं, जो करौली के अंतर्गत पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में शेरनी और मेंड की शामिल है। तो ये अब क्या है कि नदियों वाला जो जो था चैप्टर वो लगभग पूरा हो चुका है। अब क्या है कि महत्वपूर्ण नदियों के बारे में फैक्ट कौन कौन से हैं, और उसकी जो मतलब जहां पर अपन कंफ्यूज होते हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, वो कौन कौन से हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नदियों के बारे में, पूरी नदियों का अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें, फैक्ट की बात करें, तो कौन कौन से फैक्ट है जिसको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। तो फैक्ट के बारे में अगर बात करते हैं, तथ्यों के बारे में, तो कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले है कि बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो बीकानेर और चूरू के अंतर्गत है कोई नदी नहीं है। और बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियां, तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत है सिर्फ एक घग्गर नदी है, और थोड़ी बहुत चूरू की सीमा पर जाकर के कांतली नदी है, तो दो ही नदियां हैं बीकानेर और बीकानेर संभाग में, नदियों सबसे कम न्यूनतम नदियां हैं। और चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक नदियां, अगर जिले में सबसे ज्यादा नदियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक नदियां हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। और कोटा संभाग सर्वाधिक नदियां,
सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग के अंतर्गत है, सर्वाधिक नदियां है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अब लंबाई के अनुसार सर्वाधिक की बात करें तो लंबाई के अनुसार सबसे अधिक तो सबसे पहले तो मरुस्थलीय भाग में पश्चिम में सबसे लंबी नदी पश्चिम भाग मरुस्थल में सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? लूनी। कौन सी हो जाएगी? लूनी हो जाएगी। पश्चिम भाग मरुस्थल में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी अपने पास है? लूनी हो जाएगी। और उत्तर राजस्थान में सबसे लंबी? उत्तर राजस्थान में सबसे लंबी हो जाएगी घग्गर। अब अगर अपन बात करते हैं दक्षिण राजस्थान में सबसे लंबी हो जाएगी माही। और पूर्वी राजस्थान में सबसे लंबी हो जाएगी चंबल। और राजस्थान में सर्वाधिक लंबी हो जाएगी बनास। तो इन नदियों को अपन ध्यान में रखना ही रखना है कि बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है, बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियां हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक नदियां हैं और कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अब क्या है कि लंबाई के अनुसार सबसे अधिक पश्चिमी भाग या मरुस्थल भाग में सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर है। दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी माई है। और पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। अब क्या है कि ये जो तो चार नदियां महत्वपूर्ण तो है ही है, इनके बारे में एक सारणी अपन और बना देते हैं जिसके अंतर्गत कई बातें एक साथ है समेट लेते हैं, एक सारणी और निर्मित कर देते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो नदी क्रम संख्या, नदी और लंबाई और जलग्रहण क्षेत्र और प्रतिशत, जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत और उपबेसिन। राजस्थान में 15 जल बेसिन है। तो चार महत्वपूर्ण नदियों की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगी क्रम संख्या? सबसे पहले हो जाएगी अपने पास बनास। राजस्थान में सबसे लंबी अगर बात करें तो बनास ही है। और बनास की अपने पास लंबाई कितनी हो जाएगी? 512 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान की इसमें इसकी लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर हो जाएगी। और इसका अपवाह क्षेत्र कितना हो जाएगा? अपवाह क्षेत्र जिसको कह सकते हैं अपवाह या जलग्रहण क्षेत्र, तो ये हो जाएगा 46,570 किलोमीटर स्क्वायर। 46,570 किलोमीटर स्क्वायर जो प्रतिशत में 27.48% भाग रखता है, 27.48% भाग रखता है। इसकी उपबेसिन कितने हैं? 10 उपबेसिन है। राजस्थान के अंदर टोटल 15 बेसिन है और 58 उपबेसिन है। तो बनास के अंतर्गत 10 उपबेसिन तो किसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं? बनास के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। दूसरी बड़ी नदी की बात करें तो लूनी। राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ी अगर नदी की बात करें तो दूसरी हो जाएगी लूनी, जिसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। और उसका जलग्रहण क्षेत्र या नदी जल बेसिन कितना है? वो 34,250 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये भाग कितना रखता है? 20.21% भाग रखता है। और इसमें 12 उपबेसिन शामिल हो जाते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तीसरी अपने पास लंबी नदी हो जाएगी चंबल। राजस्थान में 322 किलोमीटर है तो चंबल, और ये 350 किलोमीटर है। तो चंबल की अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1,051 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर नहीं, 1,051 किलोमीटर है। और
10 किलोमीटर स्क्वायर इसका जलग्रहण क्षेत्र है और 17.18% यह जलग्रहण क्षेत्र घेरता है या अपवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है। और उसमें कुल कितने 7 नदी उपबेसिन शामिल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर बात करते हैं माही नदी की, माही तो माही नदी की लंबाई है वो 576 किलोमीटर है, 16,030 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है और अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत 9.46% है, 9.46% है और इसमें 6 उपजल बेसिन शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे जो नदी बेसिन है वो क्या है कि इसके अंतर्गत ही शामिल हो गए उपबेसिन में, 10 और 2 12, 12 और 7 29, 22 और 7 29 और 29 और 6 35 नदी जल बेसिन, तो इन 4 नदियों के शामिल हो जाते हैं, उपजल बेसिन के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं और बाकी क्या है कि 58 के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे और ये 15 जल बेसिन के अंतर्गत 5-4 ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये 4 नदियों के बारे में अपने सबसे महत्वपूर्ण है ही है, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, ये कहाँ से निकलती है, इनकी मुख्य सहायक कौन कौन सी है, तो इस सारणी के अंतर्गत भी अपने को ये ध्यान में रखना है कि इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, कितना प्रतिशत घेरता है, इसकी लंबाई कितनी है, सारी बातें एक साथ समेटने का प्रयास किया है। तो आगे अपन पढ़ेंगे कि कौन सी नदियों में अपन कन्फ्यूज़ होते हैं, उन नदियों और उसकी सहायक नदियों के बारे में वो अपन शामिल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।